Now we are going to discuss angiotensin converting enzyme inhibitors. ये क्या है? ये basically drugs हैं. वो drugs हैं जो high blood pressure को control करती हैं. We call them angiotensin converting enzyme inhibitors. So अब ये कौन सी drugs हैं? ये हमारे पास आती है. अक्सर इनके नाम में प्रिल का लफ्ज आता है. प्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमीप्रिल, एनालाप्रिल, फोसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेंजीप्रिल और क्विनाप्रिल. सो जितनी भी प्रिल वाली ड्रग्स हैं, प्रिल, दैट आर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. देखा जाए तो बेसिकली होता क्या है, इनका मैं आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ. देखिए, हमारे पास जो हमारी बॉडी है वहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको एंजियोटेंसिन वन कहते हैं. एंजियोटेंसिन वन क्या करता है? एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो जाता है. जब एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो हमारे पास नॉर्मल आर्टरी है ना, नॉर्मल आर्टरी, इसको कंस्ट्रिक्ट करवा देता है. यानी इसको इस तरह से कंस्ट्रिक्ट करता है. तो जब इसको इस तरह से कंस्ट्रिक्ट करवा देता है, पहले आप देख सकते हैं कि अंदर का जो ल्यूमन है जहाँ पर ब्लड होता है वो काफ़ी बड़ा है. जब ये वाला मॉलिक्यूल आता है ना, ये हार्मोन है, ये वाला हार्मोन इस ब्लड वेसल को इस तरह से दबा देता है, कंस्ट्रिक्ट करवा देता है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे ल्यूमेन छोटा है, यहाँ पे ल्यूमेन बड़ा है. तो जाहिर सी बात है, आप इस बात को समझते हैं कि पहले ब्लड वेसल थी इस तरह बड़ी, ऐसे जो ये वाली है. अब आपके पास ब्लड वेसल बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन क्या हो गई, इस तरह से छोटी हो गई है. तो जब ब्लड वेसल पतली हो जाएगी तो जो अंदर का ब्लड है, यहाँ पर ब्लड आसानी से मूव कर सकता है. यहाँ पे क्योंकि ब्लड वेसल प्रेशर में आ गई है, तो अब क्या हो जाता है, जो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है. यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. और क्यों? बिकॉज ऑफ द एंजियोटेंसिन टू, ये हमारी बॉडी का हार्मोन है. अच्छा, अब देखा जाए तो एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम. वो एंजाइम आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है. अगर आप ये देखें, दैट इज द एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ये एंजाइम क्या करता है, ये इस एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट कर रहा है. तो अगर हम क्या करें कि ये जो एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अगर एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए, यानी एंजाइम बीच में से अपना एक्शन ना परफॉर्म कर सके, इसको ब्लॉक कर दें, एंजाइम ब्लॉक होगा तो एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट नहीं होगा. और जब एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन टू नहीं होगा. जब ये नहीं होगा तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट भी नहीं होगी, रादर ब्लड वेसल डायलेट हो सकती है, यानी बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं होगी. जब ब्लड वेसल डायलेट नहीं होगी उससे क्या होगा, उससे ब्लड वेसल, जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी तो उससे ब्लड प्रेशर भी ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ब्लड प्रेशर वापस अपने नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा. तो जितने भी हमने पीछे ड्रग्स डिस्कस किए हैं वो क्या थी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स थी. यानी इस एंजाइम को वो इनहिबिट करती थी और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता था. तो हमारे पास जो ड्रग्स हैं जो ऐसा काम करती हैं, वी कॉल देम प्रिल्स, जैसे कैप्टोप्रिल, रेमीप्रिल, एनालाप्रिल, क्विनाप्रिल, लिसिनोप्रिल वगैरह वगैरह. तो डिटेल्ड अगर हम देखें, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन एक एक ड्रग्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. और अगर आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो शबनूर मेडिसिन आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर. आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च बार में लिखें शबनूर मेडिसिन और यह हमारे पास चैनल आएगा. इस चैनल को आप विज़िट करें और इसमें आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी मिलेगी जो कि आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ही मुफीद है. शुक्रिया.